स्वतंत्रता आंदोलन के 81 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्विट इंडिया से जोड़कर एक ऐसा मंत्र दिया जिसके बाद उनके सांसदों ने संसद के बाहर और अंदर मोर्चा खोल दिया। 1942 में 9 अगस्त के दिन इसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ की थी, लेकिन कल इसकी गूंज किसी और वजह से सुनाई पड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठकों और भाषणों में भी ये विमर्श लगातार बना हुआ है। सियासी लड़ाई में इन 26 दलों के गठबंधन को कैसे पछाड़ा जाए? लेकिन इंडिया नाम अपनी भारत भक्ति दिखाने के लिए नहीं, बल्कि भारत को लूटने के इरादे से लगाया गया था कि कांग्रेस के शासनकाल में सिमी यानी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया बना था। नाम में इंडिया था, लेकिन मिशन इंडिया को आतंकी हमलों से बर्बाद करने का था। इतना तय माना जा रहा है कि 2024 के इलेक्शन में बीजेपी के एजेंडे में भ्रष्टाचार और परिवारवाद का मुद्दा प्रमुख रहेगा।